परिचित मैं अभी कर लेता हूँ कहीं भेदभाव नहीं करना चाहिए बिल्कुल नहीं भेदभाव अच्छे नहीं होते हैं थैंक यू थैंक यू हमारी लवीना जी भी दिस इज ऑब्सेस्ड बाय क्राइम आप लोग क्रिमिनल से दूर रहिए घर के जो हमारे और हमारे पास रहिए घर के लोग हैं उनको बिल्कुल क्रिमिनल मत समझिए हाँ जैसे पहले भी कहा रिश्तों को बनाते वक्त रिश्तों की सावधानी बरती है रिश्ते कभी खराब नहीं होते हम उन्हें अपनी बेवकूफों से खराब जरूर कर सकते हैं सही बात हम मिस कर रहे हैं आज यहाँ पे आपके सिंहभूम का लखनऊ जहाँ हम टाल नहीं पाएंगे संतोष चंद्रम का काफी सफल शॉर्ट फिल्म आपने बनाए हैं और जो आपका मकसद है शॉर्ट फिल्म बनाने का पहले तो वो बताइए और आपका जो ये वेंचर है स्काई 24/7 ये वेंचर का बताइए कि क्या बेसिकली मकसद सर बहुत सही टाइम पे आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुझे मेरी टीम ने जस्ट 5 मिनट पहले इन्फॉर्म किया कि हम लोग मोनेटाइज हो गए हमारा एक अच्छा खासा नंबर यूट्यूब ने अभी हमें बताया कि वो हो चुका है मोनेटाइज के लिए और अभी तक हम 5,50,000 व्यूज अपनी 5 शॉर्ट फिल्म जो हमने रिलीज की हैं उस पर ला चुके हैं तो ये एक अच्छा नंबर है मैं उत्साहित हूँ मेरी टीम इस चीज़ को लेकर खुश है वेरी नाइस अगर जस्ट आज हम अपनी 6th/6 शॉर्ट फिल्म रिलीज कर रहे हैं और 5 शॉर्ट फिल्मों पर अगर 5,50,000 व्यूज सिर्फ मात्र 35-40 दिनों में हर हफ्ते एक शॉर्ट फिल्म रिलीज करते हैं आई एम हैप्पी और मकसद है अच्छा कंटेंट मकसद है ऐसा कंटेंट 6-7 मिनट का जो आप जब अपने घर से निकलते हैं कार में या मेट्रो में निकल के ऑफिस जा रहे होते हैं तो आपके पास वो 7-8-10-12 मिनट होते हैं उस बीच में आप ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं जिससे आपका मूड थोड़ा फ्रेश हो जाए शाम को वापस आते हुए मूड थोड़ा फ्रेश हो जाए और कुछ ऐसा हो उसमें जो आपको लगे कि अपना सा है रिलेटेबल है कहीं ना कहीं एक लड़का जो जॉब के लिए भाग जा रहा है कहीं ना कहीं एक लड़की जो किसी के साथ रूम में रहती है अपनी किसी फीमेल दोस्त के साथ तो वैसी छोटी छोटी सी कहानियाँ जो आप लोगों को अपनी सी लगें घर की सी लगें और बस और ये भी चाहूँगा कि बेसिकली जब कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो कमर्शियल उसका एस्पेक्ट होता है तो एज अ शॉर्ट फिल्म मेकर क्या कमर्शियल उसका बेनिफिट अगर होता है तो? सर बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ बिल्कुल कॉमर्शियल एस्पेक्ट से नहीं बना रहा हूँ कॉमर्शियल एस्पेक्ट से पिनाकल सेलिब्रिटी मैनेजमेंट बहुत सारा काम करता है 10 साल पुरानी एकमात्र टीवी की एजेंसी है बहुत सारे पैसे कमाते हैं रोशन ने बहुत सारा काम किया है टीवी के कई हजार एपिसोड्स एज डायरेक्टर डायरेक्ट किए हैं बहुत सारी फिल्म्स किए हैं निखिल इस प्रेडला करके आए हैं ये लड़की तो खैर चलिए बहुत नई है बट मास मीडिया की जर्नलिज्म की फील्ड से आती है और शॉर्ट फिल्म बनाते वक्त मेरा मकसद अभी कम से कम शुरू में बिल्कुल नहीं है कि कॉमर्शियल एंगल से मैं ये सोचूं कि मुझे पैसे कैसे कमाए जाएंगे ऐसे मेरा मकसद है पहले लोगों के दिलों में जाकर अपने लिए जगह बनाना उनसे अप्रिसिएशन ये लेना कि यस ये जो शॉर्ट फिल्म जिस लाइफ 247 फिल्म के यूट्यूब चैनल पर आती हैं वो देखने योग्य होती हैं परिवार के साथ बैठ कर देखी जा सकती हैं ऐसी शॉर्ट फिल्म नहीं बना रहे हैं हम जो बिल्कुल भी कंटेंट वाइज किसी को किसी और दूसरी दिशा में लेके जाए सूरज बढ़ जाता है साहब जैसे पारिवारिक सिनेमा बनाते हैं वैसा एकदम नहीं बना रहा हूँ लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी शॉर्ट फिल्मों से एक लोगों को उद्देश्य मकसद कुछ सीखने को अगर शायद दे पाऊँ तो बस उतनी सी बात है उसके लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है आज के दौर में अगर देखा जाए तो और कितना कंपटीशन कितना है इस दौर में प्लेटफॉर्म तो बहुत बड़ा है खास करके ये जो नए फ्रेश टैलेंट्स आ रहे हैं उनके लिए और छोटी छोटी चीजें वो बना लेते हैं खुद को
वैसे तो हमें हमारे दौर में हमारे वक्त में इतनी स्ट्रगल होती थी क्योंकि उस वक्त ये मीडियम था ही नहीं, तो हमें बस टेलीविजन थे, कुछ सीरियल्स आते थे, कुछ एपिसोड, उसमें बस हर किसी की जद्दोजहद रहती थी कि किसी को मिल जाए, कुछ मिल जाए, और किसी एक को मिल गया तो दूसरे को नहीं। लेकिन आज इतने सारे प्लेटफॉर्म्स ओपन हो गए हैं जिससे कुछ ऐसे कंटेंट्स देखने मिल रहे हैं जो कि शायद हमने कभी सोचे भी नहीं थे। कोई मोबाइल से ही शूट करके इतनी खूबसूरती से कुछ फिल्में कांस पहुंच गई है, एंड दैट इज वन ऑल्सो विच इज ब्रिलियंट। तो आज इन चैनल्स की वजह से ये हो गया है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना फाइनेंशियली कोई रिस्ट्रिक्शन है, ना किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से कोई, बस करते जाइए। अगर आपको लगता है आप क्रिएटिव है, अगर आपको लगता है कि आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं दुनिया को, स्टार्ट कर लीजिए और दिखा दीजिए। और संतोष जी जो एसोसिएशन है शॉर्ट फिल्म मीडियम में, उसके अंदर जो पास्ट में एसोसिएशन रहा और जो अभी प्रेजेंट में आपका है लैंडलॉर्ड का जो बजट प्रोजेक्ट है, क्या प्रोजेक्ट बेसिकली और कितना एक्साइटेड है उस प्रोजेक्ट को लेकर, क्या शोकेस करने वाला है उस प्रोजेक्ट से? देखिए, जैसे हमने अपनी हर फिल्म में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ह्यूमर तो रखा ही है, बिकॉज बहुत जरूरी होता है आज की इस भागदौड़ में, स्पेशली ये कोरोना के बाद सारे लोग इतने हैवी हो चुके हैं 2 साल तक घर में बैठे, कि सबको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लाइट कॉमेडी हंसी मजाक ऐसा ही कुछ चाहिए। किसी को बहुत ज्यादा ज्ञान या बहुत सैड सेडिस्ट मॉर्बिड चीजें नहीं चाहिए। तो हमारी फिल्में ज्यादातर जो है सब उसी के इर्द गिर्द घूमती है। कहीं ना कहीं वो हल्का सा आप मुस्कुरा जरूर देंगे देखते समय, क्योंकि आप उससे कनेक्ट जरूर होंगे, ऐसा लगेगा अच्छा हाँ मैंने देखा है ऐसा कुछ होता है, अच्छा मैंने कुछ ऐसा किया भी है। बहुत सारे लोग, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कैन कनेक्ट विद इट, एंड सो इज हमारी ये वाली भी जो हम आज रिलीज कर रहे हैं ऑब्सेस्ड क्राइम शो। ये हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो फैंस है, ये सब कहीं ना कहीं इन किरदारों से, इन कहानियों से रिलेट करते हैं, प्यार करते हैं। तो ये भी हमारा एक ऐसा किरदार है जो कि इतनी ऑब्सेस्ड है इन चीजों से, अचानक हो जाती है इतनी ऑब्सेस्ड कि वो किस तरह की हरकतें करने लगती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि भले ही आप किसी के फैन हो, या भले ही आपको कोई चीज जिसके आप दीवाने हो, आप उस फिल्म से इंस्पायर्ड हो या कुछ हो, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि हर चीज को ना लिमिट में करना चाहिए। एनी थिंग इन एक्सेस इज हार्मफुल, इज नॉट गुड। यू हैव बीन पार्ट ऑफ स्प्लिट विला, तो यहां पे एसोसिएशन जो हुआ संतोष जी के साथ, क्या चीज आपको पसंद आई इस प्रोजेक्ट को लेकर, या संतोष जी का जो वर्क मॉडल है उसके अंदर? संतोष जी के साथ मैं तभी जुड़ा था पहली बार जब मैं नया नया मुंबई आया था, आज से 4-4.5 साल पहले। वो किसी और काम को लेके था, और फिर मेरे स्प्लिट्सविला के बाद जब मेरा एक्टिंग करियर प्रॉपर स्टार्ट हुआ तो फिर भी मैं इन्हीं के पास आके जुड़ा। और इनके साथ काम करने में हमेशा बहुत मजा आता है, और आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप एकदम टिपिकल ऐसे एनवायरमेंट में हो जहां पे सिर्फ आप काम कर रहे हो। हमेशा फन रहता है, हमेशा घर वाला माहौल बना रहता है। तो हमारी शूटिंग भी बहुत अच्छी रही, प्लस इनके साथ काम करने में मेरे को तो बड़ा मजा आता है। तो जब भी ये सेट पे होते हैं हम लोग बहुत फन करते हैं हमेशा। सो इसका थीम ये है कि एक लड़की है जो बहुत ही ज्यादा ना, जब हम कोई मूवी देखते हैं, हम कोई सीरीज देखते हैं, तो हम कहीं ना कहीं ना उसको रिलेट करते हैं, और चाहे वो सुपर हीरो हो, चाहे वो थ्रिलर हो या कुछ भी हो, हमें कभी ना ऐसे वो हमारा माइंडसेट कुछ टाइम के लिए ऐसा बन जाता है कि ये चीजें हमारे आसपास हो जाए, या काश मैं ऐसा करूं, काश मैं ऐसा बन जाऊं। तो इसमें जो लड़की है वो काफी ज्यादा ऑब्सेस हो जाती है चीजों से, जैसे ही वो उन चीजों को देखती है, और उसको लगता है कि उसके आसपास सब वैसा ही हो रहा है, चाहे वो नॉर्मल भी क्यों ना हो जो हमारी डे टू डे लाइफ में होता है। तो वैसा ही एक छोटा सा हमने शॉर्ट फिल्म पेश किया है, और उसमें मेरा कैरेक्टर फन लविंग है बट ट्विस्टेड है, सो क्लाइमेक्स में पता चलेगा कि मेरा कैरेक्टर असली में करता क्या है। नेहा दुपिया और सनी लियोन, सनी लियोन रणविजय की बात कर ले, अभी सोनू सूद होस्ट करने वाले, तो आपको क्या लगता है कितना ज्यादा वो जस्टिस दे पाएंगे इस शो को, क्योंकि जैसी उनकी इमेज और ये शो जैसा है? टू बी ऑनेस्ट, मैंने स्प्लिट्सविला किया था और मेरा 13 सीजन था, उसके बाद अभी जो सोनू सूद जी गए हैं वो गए हैं रोडीज में, और रोडीज का मैं पार्ट रहा नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कैसा होगा, बट आई रियली होप के कुछ नया निकल के आए, बिकॉज इतने टाइम से हम सेम चेहरे देख रहे थे, रणविजय सर जैसा कोई नहीं कर सकता, बट स्टिल आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के क्या चेंजेस आते हैं और क्या कॉन्सेप्ट नया निकल के आता है। बिकॉज पहले ये था कि 4 जज 1 रणविजय सर होते थे वहां पे, तो ऐसा सब जज और उसका होता था, पर अभी सिर्फ सोनू सूद है, तो लेट्स सी क्या निकल के आता है। And besides, any other player working in any film project or?
मेरे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है बहुत सर. बेसिकली लेकिन इज आल्सो साइन विद पिनाकल, सो पिनाकल टेक केयर ऑफ हिज वर्क. सो वेरी सून, मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अभी हम 3-4 मार्च में बैठे हैं, बाई अप्रैल फर्स्ट वीक ये आपको कहीं किसी अच्छे पर्दे अच्छे मुकाम पे दिखाई दे जाएंगे. इनकी कुछ बातें बड़े प्रोजेक्टों को लेकर चल रही है जहाँ पर बातें बहुत सही लेवल पे चल रही है और सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है इनके साथ. बस रिवील नहीं कर सकते. सो बेसिकली मैंने काम चालू किया एज अ मॉडल, एज अ प्रिंट मॉडल, कैटलॉग मॉडल एंड रैंप मॉडल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं फिल्म मेकिंग की स्टूडेंट हूँ, बैचलर्स इन फिल्म मेकिंग. सो वो करते करते सो आई मेट संतोष सर थ्रू अ फ्रेंड एंड सर ने बोला, आई केम हियर फॉर अ मीटिंग एक्चुअली. तो सर ने बोला एक रोल है आप करोगे, तो मैंने बोला ओके सर. एंड उसके बाद ही सब चालू हुआ मेरा. एंड देन आई स्टार्टेड, आई कनेक्टेड विद सर एंड बस काम चालू हो गया. चंद घंटे पहले, मतलब आप समझिए हाँ. कल सुबह 7 बजे शूट था और आज रात को 9 बजे शायद ये मेरी एक दोस्त है आगरा से है, उनको हम मिस कर रहे हैं अभी, वो है नहीं हमारे साथ. उनकी फिल्म हम अगले हफ्ते रिलीज कर रहे हैं, तो वो उनके साथ ही आई थी जस्ट ऐसे, क्योंकि वो मुझसे मिलने आई थी. और मुझे लगा कि मैं वो जो करेक्टर ढूंढ रहा हूँ जो अभी तक मिसिंग है, जो नहीं मिली है मुझे लड़की, ये वो कर सकती है क्योंकि मास मीडिया जर्नलिस्ट से. और ये पहुँच गई सेट पे, फिर रोशन मैम ने इनको समझाया क्या है करेक्टर कैसा है, और ये ऑन स्क्रीन बोल रहा हूँ जिससे बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. तो आप लोग देखते हैं वो एक बहुत बढ़िया टीवी के होस्ट हैं, एंकर हैं, चैन से सोना है तो जाग जाइए. तो वैसा कुछ ये रोल प्ले कर रही थी इसमें और 4 घंटे हो गए थे इनको. और रोशन ने फाइनली मुझे बोल दिया, संतोष कास्ट वाइज तुमसे मुझे लग रहा था कुछ बेहतर लेके आए हो, ये नहीं कर पा रही है. तो मैंने कहा रोशन जस्ट गिव मी 10 मिनट्स. मैं क्रिएटिव आदमी नहीं था ना, शायद अभी भी हूँ, बट हाँ रोशन और बहुत सारे क्रिएटिव लोगों से सालों से कई हजारों स्टोरियाँ टीवी शोज OTT और फिल्म्स की सुनी है, तो थोड़ा बहुत शायद मुझे आ गया है. बस मैंने इसके साथ 10 मिनट इसको मैं लेके गया उस जोन में, वो कैसे बोला जाना है डायलॉग. और 11वें मिनट जब ये शूट कर रही थी, देन आई बिलीव रोशन कैन टेल व्हाट वाज द रिजल्ट. जो 4 घंटे में रोशन मैम के ADs के साथ मेहनत कर रही थी और ये वो लाइन नहीं दे पा रही थी, वो पंच लाइन नहीं ला पा रही थी जो चाहिए थी इसको. तो कहीं ना कहीं मेरा सिर्फ इतना सा काम नहीं रह गया खाली कि मैं अब लोगों को टीवी में या OTT में कास्ट करूँ. मैंने थोड़ा सा अपने आप को और कि जिन लोगों को कास्ट करने में मुझे बहुत परेशानी आ सकती है किसी रोल में, क्योंकि मेरे देखने के बाद उसका टैलेंट वो प्रोड्यूसर साहब देखेंगे, क्रिएटिव प्रोड्यूसर देखेगा उस शो का, फिर चैनल देखेगा, फिर कहीं जाकर उसको काम मिल सकता है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने पूछा था मुझसे पहले कि क्यों ये OTT प्लेटफॉर्म शॉर्ट फिल्म्स के लिए क्यों. थोड़े से पैसे हैं मेरे पास और उन थोड़े से पैसों से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, नए लोगों को, एक्सपीरियंस लोगों के साथ कुछ भी छोटा बड़ा जैसा भी रोल ला के, मैं इन बच्चों को यही समझाता हूँ कि ये तुम्हारे लिए शॉर्ट फिल्म तो है ही, साथ में तुम्हारे ऑडिशंस हैं. इतना अच्छे अपना करना सीख जाओ इन शॉर्ट फिल्म के माध्यम से कि जब कोई ऐसा रोल आपको करने के लिए ऑफर हो तो अपना ऑडिशन मत बनाओ, ये भेज देना टेप. ये टेप तुम्हारा ऑडिशन अगर जाएगा तो डेफिनेटली प्रोड्यूसर या चैनल्स के लोग या OTT प्लेटफॉर्म के लोग शायद तुम्हें सीरियस एक्टर मान सकते हैं. सो दैट इज द रीजन जो आपका पहला सवाल था, मैंने इसलिए यहाँ चेक किया कि मकसद जो है वो पैसे कमाना तो बिल्कुल भी नहीं है इस माध्यम से. हाँ बिल्कुल, ये प्लेटफॉर्म है पुराने आर्टिस्ट, पुराने सारे वो मेरे दोस्त, पुराने वो मेरे सारे लोग जो बहुत सारा काम कर चुके हैं. मैंने गौरव बजाज, अब वो काम के लिए मेरे साथ में नहीं है लेकिन मैंने उसके साथ एक फिल्म की, एलन कपूर ने 50 TV शोज किए हैं, आरती सिंह जो इस फिल्म की अभिनेत्री है बेसिकली, जो आज यहाँ हमारे साथ नहीं है, लखनऊ गई हुई है और वो नहीं आ पाई यार, तो अब उनको तो नहीं काम चाहिए, बट वो मेरी दोस्त है. तो मैंने उनसे कहा कि यार एक सी शॉर्ट फिल्म में आप करोगे, उन्होंने कहा यार मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लग रही है मैं करना चाहती हूँ, उन्होंने किया. निखिल चंद महीने पहले इस प्रिविलेज जीत के आए हैं और इनको एक्टिंग करनी है, एज एन एक्टर कुछ काम करना है, तो इनके लिए एक वहां पर बड़ा अच्छा सा लीड रोल था क्योंकि ये लीड करना चाहते हैं टीवी, तो इनको वो दिया. और ऐसे ही बस ये हैं और एक दो और उसमें छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं जो बिल्कुल नए लोगों ने पहली बार निभाए. लास्टली इवेंट हम मानते हैं क्योंकि वो फॉलोअर्स को देखकर और इन सब चीजों को देखकर कास्टिंग हो रही है. आपने आपने ना मेरे दुखते हुए क्या कहूं उस पे हाथ रख दिया है. ये जो एक नई 2 साल में कहना चाहिए, मतलब जब तक ये 2019 तक मैं कहूंगा, बल्कि 2020 मार्च तक कहूंगा, मुझे इस बात की कतई जानकारी नहीं थी. व्यक्तिगत बता रहा हूँ कि कोई टिकटॉक जैसा माध्यम है और इन्फ्लुएंसर्स कुछ होते हैं, मेरे लिए
मैं कहूँ इन्फ्लुएंसर तो सुनील गावस्कर साहब क्रिकेट में एक इन्फ्लुएंशियल शख्सियत है, सैयद किरमानी है, मतलब इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है अपने क्रिकेट खेलने की पद्धति से, शैली से, ऐसे सारे सिंगर्स सारे एक्टर्स इन्फ्लुएंशियल्स हैं। मतलब ये इन्फ्लुएंसर्स जो हैं जो 15 सेकंड या 30 सेकंड के किसी भी डायलॉग पर या किसी भी गाने पर कुछ भी कर मिलियंस लोगों का दिल जीतते हैं, हालांकि वो भी एक कला है और मैं कला का सम्मान करता हूँ। लेकिन लॉकडाउन के अंदर 2 सालों में जो एक्टर्स की जगह पर आज हम देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर्स खड़े हो रहे हैं, कला है। 30 सेकंड में बहुत हज़ारों लोग ऐसे भी हैं जो उतना अच्छा अभिनय नहीं कर पा रहे, इसलिए उनको शायद उतने व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं। जिन लोगों को व्यूज़ मिल रहे हैं, जिनके आज 10-20-25 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मैंने भी लास्ट टू लास्ट वीक बकरी पीजी एक फिल्म अपनी शॉर्ट फिल्म रिलीज़ की थी जिसमें मैंने सना सुल्तान और माही देशपांडे को कास्ट किया, तो वो दोनों इन्फ्लुएंसर थे। लेकिन जब वो बच्चे मुझे मिले तो मुझे लगा वो इन्फ्लुएंसर के साथ साथ उनके अंदर वो बात है कि वो एक्ट भी कर सकते हैं। हमने उनके साथ काम किया, लक्ष्मण मौजूद थे पिछली प्रेस में, उन दोनों बच्चों ने बताया भी क्या हमने उनके ऊपर मेहनत की थी। सो इन्फ्लुएंसर्स वो अपने प्लेटफॉर्म पे जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, बट एक्टिंग करने के लिए एज एन एक्टर बहुत सारे पॉलिश वर्क की जरूरत है। और मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से कि 3-4 लोगों के साथ मैं अभी तक काम कर चुका हूँ, रोशन ने उन्हें ट्रेंड किया है, मतलब उनके साथ में 2-2 दिन 3-3 दिन की वर्कशॉप की है। एक शॉर्ट फिल्म 7 मिनट की शूट करने के लिए रोशन को से 5-6 मिनट की शॉर्ट फिल्म के लिए 6 घंटे लगते हैं, बट उनको उस 6 मिनट की शॉर्ट फिल्म में एक्टिंग कराने के लिए अगर हमने 2.5 दिन खर्च किया तो हमें रिजल्ट, और मैं गर्व क्या बता सकता हूँ आज की, मैंने जैसे कहा 5.5 लाख व्यूज टोटल है, तो मेरी 5 फिल्मों में बकरी पीजी के ऊपर आज शायद 1,95,000 व्यूज है, बाकी सारी फिल्में 1 लाख व्यूज के आसपास है। तो ये है वो इन्फ्लुएंशियलशिप का फायदा कि एक अच्छी फिल्म, एक अच्छा कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये बच्चे बहुत फेमस थे तो उस बच्चे फेमस होने की वजह से ज्यादा लोगों तक हमारी फिल्म की बात पहुंच पाई और जिस वजह से कुछ थोड़े से ज्यादा व्यूअर्स हमें मिले। मैं किसी भी ऐसे विवाद में नहीं जाना चाहता कि इन्फ्लुएंसर्स खराब हैं या अच्छे हैं या एक्टर्स खराब हैं या अच्छे हैं। एक इन्फ्लुएंसर जो सिर्फ इन्फ्लुएंसिंग करना चाहता है, मैं ऐसे कम से कम 50 लोगों को मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस जस्ट मैंने 2 महीने पहले स्टार्ट किया है, तो वो एक्टिंग ही करना नहीं चाहते, मतलब वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वहाँ से वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छा नाम कमा रहे हैं, साथ में वो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। बट उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो बॉम्बे में हैं या कहीं भी हैं, वो एक्टर बनना चाहते हैं। स्वागत है आपका, आइए शहर में, बहुत सारा काम है, जितना काम आप करना चाहते हैं अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो कोई नहीं रोक सकता। सो बेसिकली जैसे कहा कि बस हल्का फुल्का सा रखना है कोई, तो ये आया यहीं से कि कुछ लोग को हम देखते हैं, हम जो आजकल के भाई बहुत ज्यादा ही या तो इन्फ्लुएंस हो जाते या तो इंस्पायर हो जाते कुछ कहानियों से, कुछ किरदारों से, कुछ कैरेक्टर से, तो हमने सोचा चलिए इसको लेके हम एक कैरेक्टर क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारी इस कहानी की जो नायिका है उनका भी ऐसे ही रहता है, बस अचानक से वो एक शो चल रहा है, अलग अलग चैनल स्विच कर रही है, शोज देख रही है और अचानक से एक शो चल रहा है, क्राइम शो आता है और उसे देख के वो बिल्कुल सडनली यकीन करने लगती है कि हाँ हो सकता है ऐसा, ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल पॉसिबल है और ये बात भी सही है, बिकॉज कई सारे क्राइम शोज रियलिटी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होते हैं और उसी तरह सिनेमा के भी हमारे किरदार जो होते कहीं ना कहीं हम उन्हें जो लेके आते हैं क्रिएट करते हैं वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होते हैं बहुत सारे, तो लोगों का उसकी प्रति कनेक्ट हो जाना बहुत आसान है, बहुत आम बात है। तो ये भी हमारी जो लड़की है ये इंस्पायर हो जाती है इस क्राइम शो से और कहीं ना कहीं इसे ये लगता है कि हाँ ऐसी चीजें होती है, इस तरह की होती है और वो उस लेवल तक चली जाती है उस पे कि उसकी जिंदगी में आने वाला हर शख्स उसे वो एक अलग ही चश्मे से देखती है कि हाँ ये जरूर है, मतलब उसके करीबी, उसके दोस्त, उसके खास खास और उसके हर किसी को ये, तो मतलब कहने का मतलब ये है फिल्म से, हमारे फिल्म के माध्यम से हम कहना भी ये चाहते हैं हमारी नायिका के थ्रू भी कि इतना भी इंस्पायर्ड मत होइए। सो द कैरेक्टर ऑफ आरती सिंह के गोइंग ओवर द बोर्ड एंड गेटिंग सो मच ऑब्सेस्ड बाय समथिंग कि भैया हाँ ये तो है, ऐसे हो जाता है कि हर चीज सुबह हुई रात तक उसे वो वैसे ही नजर आती, दैट शुड नॉट बी। हाँ सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपनी आंखें खुली रखिए,
क्योंकि हमें सबको ये रखना है, क्योंकि हमें भी नहीं पता जिंदगी में कौन करती है. इवन मैसेजेस जो हमें आते हैं आजकल तो हर तरफ एवरीवेयर दैट सिचुएशन इज देयर, यू नो देयर इज हैपनिंग सो मच स्पैम एंड देयर इज यू नो दीस काइंड ऑफ बग्स एंड ऑल दोस थिंग्स. बहुत ज्यादा रिवील नहीं कर सकते स्टोरी को लोगों को. आपको जाना है यूट्यूब पर और कहा घंटी बजानी है. यस, लाइक आप जाइए हमारे चैनल पे लाइव 247 पे और YouTube Live 247 Films जाकर देखिए. खुद आप डिसाइड कीजिए कि कितनी बात हमने आपको बताने की कोशिश की और आपको कितनी समझ में आई. अगर पूरी समझ में आ गई है तो फॉलो कीजिए, अगर समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ DM कीजिए मुझे और रोशन को. हम अगली फिल्म में फिर दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि हम बताना क्या चाहते थे आपको. नहीं तो ये भी कहना चाहूंगा कि जो प्रोजेक्ट है जैसा मैंने बताया, ये बेसिकली जो भी प्रोजेक्ट होता है अगर उसमें कुछ मैसेज हो, कुछ गहराई हो तो ज्यादा मतलब मीनिंगफुल होता. तो क्या कहना चाहिए आगे जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं, जो कर चुके हैं उसमें हर में एक मैसेज है क्या है बेसिकली जो आपने. सो अभी आप लोग यहाँ से तुरंत चल रहे हैं हमारे साथ हमारे छोटे से थिएटर पे जहाँ पे आप लोग स्वयं फिल्म देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपको स्वयं देखने के बाद दोबारा से अगर बात करेंगे तो आपको लगेगा कि मैसेज था. हमारी फिल्म जहाँ फ्रीज हो रही है, जहाँ खत्म हो रही है, उसके बाद में वहाँ पर एक मैसेज हमने अपने दिमाग से अपने माध्यम से बताने की कोशिश की है कि जो देखा था उस पर ट्रस्ट भी किया हमारी नायिका ने और अपने ही क्लोज लोगों के ऊपर शक भी किया. जहाँ हमने उसे एंड किया वहाँ हमने बताया. सोचिए समझिए लेकिन इतने ज्यादा भी सतर्क मत हो जाइए कि अपने ही लोगों पर आप शक भी करने लगे. सो बहुत सिंपल सा है, जो अपने हैं वो अपने हैं, लेकिन कभी कभी आप उनको किसी भी मापदंड पे तोल लीजिए, लेकिन जो आपके अपने हैं वो आपके साथ गलत शायद नहीं करते हैं. मेरा अपना बिलीव है कि आपके अपने आपके साथ गलत नहीं करते. हाँ, आप लोगों को चुनने में अगर गलती करते हैं तो वो लोग जिनको आप गलत चुनते हैं वो आपके साथ गलत करते हैं. जिंदगी को लेकर भी मेरा ये मानना, और मैं इस माध्यम से फिल्म में भी सारी आपको ऐसी दिखाने वाला हूँ जहाँ पे रिश्तों के अंदर तो जी. गलती नहीं होती, रिश्तों को गलत कभी नहीं ठहराया जा सकता. हाँ, रिश्ता बनाते वक्त रिश्ता चुनते वक्त अगर आप गलती कर रहे हैं तो फिर गलती पहले आपकी है. कुछ फैसले ऐसे ना ले कि आपको आगे जाके उसे इस तरह से, और हर चीज एक हद में होनी चाहिए. एनीथिंग एक्सेस इज डेंजरस, इज हार्मफुल.